KTM एक ऑस्ट्रियन बाइक मैन्युफैक्चरर है जो भारत में बजाज मोटर्स के साथ कोलैबोरेट करके 2012 में आई थी और आते के साथ ही इसने भारतीय मार्केट में धूम मचा दी थी। KTM की स्पोर्ट्स बाइक और एडवेंचर मोटरसाइकिल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन आज के वीडियो में हम KTM के इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। KTM की इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है ई स्पीड। इस स्कूटर को स्पीड और स्कूटर रेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 11 किलोवाट की मोटर लगी है जो इसे 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा सकती है। इस स्कूटर की रेंज 60 किलोमीटर है और ये महज 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। इसमें ABS ब्रेकिंग सिस्टम और WP सस्पेंशन जैसे कमाल के फीचर्स मौजूद हैं। इस स्कूटर की सबसे खास बात है कि इसका कमाल का लुक। ये स्कूटर दिखने में सचमुच काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है और इसे बनाने में कार्बन फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। कार्बन स्टील फ्रेम सामान्य स्टील के मुकाबले ज़्यादा मजबूत और वजन में हल्का होता है। इस स्कूटर में नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले 2 गुना अधिक पावर है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये स्कूटर करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन असल में ये 94 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक को छू लेता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि KTM भले ही पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है, लेकिन वे इसके परफॉर्मेंस में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें फ्रंट और बैक दोनों में डिस्क ब्रेक मौजूद है। ये स्कूटर बेल्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी से चलता है जो एक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसमें 14 इंच की टायर्स लगे हैं और इसमें डिजिटल मीटर, डिजिटल इन्फोटमेंट सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर KTM की इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को हम अप्रीला 150 स्कूटर से कंपेयर करें तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक होने के बावजूद KTM ई स्पीड अप्रीला से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अप्रीला 150 में 10 BHP की पावर जनरेट होती है, वहीं KTM के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 14.7 BHP की पावर जनरेट होती है। हालांकि ये स्कूटर दूसरे देशों में पहले से बिक रहे हैं, लेकिन हाल ही में ये भारत में लॉन्च हो सकती है। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच हो सकती है। आपको क्या लगता है इस प्राइस रेंज में क्या ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सही है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और क्या आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद आया इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें।